हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम बनाएंगे करवा चौथ स्पेशल फीकी मटरी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खासकर पूजा के लिए बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं फीकी मटरी बनाना। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में हम डालेंगे 2 कप मैदा, 1/4 कप घी। घी और मैदे को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से अच्छे से इसे हमें मिक्स करना है। मैदा और घी आपस में बहुत अच्छे से मिल जाने चाहिए, ये क्रम्बली हो जाना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से रगड़ते हुए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इस तरह से हम मुट्ठी बना के देखेंगे, अगर ये मुट्ठी बन रही है मतलब मोयन परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इस तरह से मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। इसे नॉर्मल आटे जैसे ही मलना है। ये बिल्कुल नरम नहीं होना चाहिए और पूड़ी के जैसे सख्त भी नहीं चाहिए। ये देखिए, आटा अच्छे से गूंद गया है। अब हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, इसके चारों तरफ लगाएंगे और लगभग 10 मिनट के लिए इसको ढककर रखेंगे सेट होने के लिए। लगभग 10 मिनट हो गए हैं, हम डो को चेक कर लेते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से मसलते हुए अच्छे से सॉफ्ट और स्मूथ बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको मथ रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। जिस साइज़ की आपको मट्ठी बनानी है उसी साइज़ के हम बॉल बनाएंगे। आप छोटी बड़ी कैसी भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह का मैंने बना के तैयार कर लिया है। इसी साइज़ के पहले हम सारे आटे के बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इस साइज़ के मैंने 6 बॉल बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको रखते हैं साइड में। प्लेटफॉर्म पे हम सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे। एक पेड़े को हम लेंगे और इसको एक रोलिंग पैन से अच्छे से बेल लेंगे। इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, ये थोड़ा सा मोटा ही होता है। ये देखिए, इसको मैंने बेल लिया है, थोड़ा सा मोटा है ये। अब हम एक फॉर्क से इसमें अच्छे से छेद करेंगे। छेद हमें बहुत ही अच्छे से करने हैं, अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये पूड़ी बन जाएगी। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से इसमें मैंने छेद कर लिए हैं। अब हम इसको एक प्लेट में रख लेते हैं। बाकी बचे हुए डो के भी हम इसी तरह पहले बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं छेद कर रही हूँ। इसमें दोनों ही साइड से पलट कर हमें छेद करना है। ये देखिए, सभी को मैंने बेलकर अच्छे से तैयार कर लिया है। दोनों साइड से छेद अच्छे से हुए हैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इनको तल लेते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और तेल गर्म हो गया है। अब हम इन मटियों को कढ़ाई में डालते हैं। इस तरह से मैं इसको डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे, तेज हमें बिल्कुल नहीं रखनी है गैस। थोड़ा सा दबाते हुए हम इसको पलटेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने पलटा है। दोनों साइड से हमें अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक इसको तलना है। ये देखिए, दोनों साइड से गोल्डन होने लग गई है। ये देखिए, ये अच्छे से तल गई है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। बाकी बची हुई मटियों को भी हम इसी तरह से तलकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, सभी मटियों को तलकर मैंने तैयार कर लिया है। ये बहुत ही अच्छी बनी है। अगर हम इसमें छेद अच्छे से करते हैं तो ये बिल्कुल नहीं फूलती है, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी बनी है। इसी के साथ फीकी मटरी बनकर तैयार हो गई है। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू जरूर शेयर करें। तो चलिए, अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।